हेलो डियर स्टूडेंट कैसे हो आप लोग स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ इतिहास के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड में इतिहास का पेपर देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में मानचित्र भरना हम आप लोगों को बताएंगे कि मानचित्र कैसे भरा जाता है और जो इतिहास में ही हमें दस नंबर कैसे मिलेगा आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं मानचित्र भरने का सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं जिससे जो है आपको दस नंबर मानचित्र में प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये आपका मानचित्र दिया हुआ है बोर्ड में जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर कुछ अलग प्रकार से मानचित्र दिया जाएगा रहेगा वो आपका इंडिया का ही लेकिन क्या है वो अलग प्रकार से दिया जाएगा जिसे क्या है वो चेक करेंगे ये थोड़ा छोटा में है ये मार्केट में मिल जाता है लेकिन मैं आपको समझाने के तौर पर लेकर आया हूँ इस मानचित्र को यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा ये देखिए छब्बीस नंबर प्रश्न में पूछा क्या गया है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या है चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए एक प्लस एक अंक क्या है निर्धारित है यहाँ पर देखिए एक अंक आपको क्या है लिखने के लिए दिया जाएगा यानी जब आप लिखेंगे प्रश्न का उत्तर कॉपी में एक नंबर आपको उसको दिया जाएगा और एक नंबर जब आप मानचित्र में यानी जो मानचित्र दिया हुआ है इसमें जब दर्शाएंगे जो पूछा जाएगा तब आपका जाकर क्या है एक प्रश्न पर दो नंबर मिल जाएगा समझ में आ गया स्टूडेंट तब आपको जाकर मिलेगा दस नंबर का ये मानचित्र होता है भरना इतिहास में जो जियोग्रॉफी के स्टूडेंट हैं उनका भी हमने वीडियो बना दिया है आप लोग जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो उसमें भी मानचित्र भरना होता है उसमें दो मानचित्र भरना होता है एक आपका विश्व का एक आपका भारत का तो जितने भी स्टूडेंट उसके यानी उस सब्जेक्ट के हैं उसका भी हमने वीडियो बना दिया जाकर चैनल पर देख लीजिएगा फिलहाल यहाँ पर देखिए पांच प्रश्न पूछा गया है सबसे पहला जो प्रश्न क्या पूछा गया है कि वह स्थान वह स्थान जहाँ अट्ठारह ईस्वी में कुका विद्रोह हुआ ये आपको बता रहा है वह स्थान जहाँ अट्ठारह ईस्वी में कुका विद्रोह हुआ तो वह आपका पंजाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा पंजाब हो जाएगा समझ में आ गया स्टूडेंट अब इसको हमें क्या है कॉपी में लिख देना है तो एक नंबर तो मिल जाएगा अब देखिए मानचित्र में हम देखते हैं कि पंजाब कहाँ पर है ये आपका भारत का मानचित्र है इंडिया का मैप अब इसमें देखिए कि आप पंजाब कहाँ पर है ये भैया पाकिस्तान है क्या है ये पाकिस्तान आपका आ जाता है तो इस पर हमें तो ध्यान नहीं दे रहा है हमें इस पर ध्यान देना है क्योंकि भारत में पंजाब दिख रहा है तो पंजाब ये है बाबू आपका ये देखिए देखिए ये आपका क्या है पंजाब है तो यहाँ पर ये हम इसको क्या है क्योंकि ये पूरा जो है आपका ये क्षेत्रफल जो है पूरा पंजाब में ही लगता है तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे पंजाब क्या लिख देंगे पंजाब लिख देंगे पहला प्रश्न था तो इसको क्या है हम पॉइंटर लेकर जाकर हम इस तरह से लिख देंगे कि भैया पहला प्रश्न है एग्जामिनर भी क्या है समझ जाएगा आपकी भावनाओं को समझेगा वो इस तरह से लिखना है तो पहला जो प्रश्न था हमने कंप्लीट कर दिया पहले प्रश्न का हमें दो नंबर मिल जाएगा एक नंबर लिखने के लिए एक नंबर दर्शाने के लिए उसके बाद में बताना है कि वह स्थान जहाँ जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसके बारे में सभी विद्यार्थी को पता होगा आप लोगों को भी पता होगा कहाँ पर हुआ था पंजाब के अमृतसर में कहा पर हुआ था अमृतसर में हुआ था जलियावाला बाग हत्याकांड सभी को पता होगा तो यहां पर भैया देखिए क्या है वो जलियावाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था अमृतसर में हुआ था तो अमृतसर कहां पर है आपका ये देखिए ये आपका अमृतसर है पॉइंटर लेकर जाकर आप कहीं पर भी लिख सकते हैं बस पॉइंटर वहां पर लेना चाहिए जैसा कि बिंदु यहाँ पर दिया हुआ था कि चिन्ह के द्वारा दर्शाना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे अमृतसर इस तरह से हमने लिख दिया अमृतसर अभी हमारा क्या है दूसरा प्रश्न था तो इस तरह से हमें समझाना भी पड़ेगा एग्जामिनर को कि सर ये दूसरा प्रश्न था यहाँ पर आपका दर्शाया हुआ है समझ में आ गया ऐसे ही आपको भरना है इतिहास का मानचित्र उसके बाद में बताना है यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ भारतीय यहाँ पर देखिए वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था यह आपको बताना है तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास को अच्छे से जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा नहीं पता है तो देखिए इनमें से आपका मद्रास हो जाएगा क्या हो जाएगा मद्रास हो जाएगा जो कि क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, का तीसरा अधिवेशन हुआ था अब देखिए मानचित्र में भारत के मानचित्र में देखिए कि मद्रास कहां पर है ये पूरा आपका इंडिया का मैप है ये श्रीलंका आ जाता है तो उस पर क्या श्रीलंका से तो हमें कुछ मतलब नहीं है हमें इंडिया से मतलब है तो हमारा जो मद्रास हो जाएगा वो देखिए चेन्नई ये देखिए चेन्नई के श्रेणी में हमारा आता है मद्रास तो ये हमारा मद्रास हो जाएगा इसको पॉइंटर लेके जाने के बाद में हम इस तरह से लिख देंगे देखिए मद्रास आपका क्या है चेन्नई में ही है बस इतना आपको समझना है ये नहीं कि आप सोचिए कि काफ़ी विद्यार्थी कह रहे होंगे कि सर ये यह यहाँ पर चेन्नई था ये यह यहाँ पर नहीं मद्रास यहाँ पर नहीं है तो देखिए वहाँ पर क्या मैप मैप में हमें इसी तरीके से समझाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर मद्रास आपका चेन्नई में ही लगता है अब उत्तर प्रदेश में आपका मेरठ जिला है उसके बाद में अयोध्या है तो उसको क्या हम अब उत्तर प्रदेश में ही तो लगाएंगे कि अलग लगाएंगे अगल नहीं लगाएंगे तो उसी में लगाएंगे तो यहाँ पर मद्रास है आपका ये चौथा प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न है तो इस तरह से हम लिख देंगे समझ में आ गया इस तरह से एग्जाम समझ जाएगा पॉइंटर आप लेकर कहीं पर भी जाकर नाम लिख दीजिएगा बस पॉइंटर वहां पर होना चाहिए जैसा कि यहां पर हमने लिख दिया कि ये मद्रास है उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है चौथा नंबर कि वह स्थान जहां गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम है वह स्थान आपको बताना है जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है वो आपको बताना है तो ये आपका इलाहाबाद प्रयागराज में है कहाँ पर है भैया इलाहाबाद पहले था अब प्रयागराज हो गया है समझ में आ गया वह स्थान जहां गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम यानी तीनों एक ही में मिलते हैं तो यहां पर हमें बताना है तो वो उत्तर प्रदेश में है। अब आप लोगों को इतना पता चल गया कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश कितना लगता है देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश लगता है देखिये आपका क्या है उत्तर प्रदेश है सेवेंटी फ़ाइव डिस्ट्रिक है इसमें सेवेंटी फ़ाइव डिस्ट्रिक से हमें मतलब नहीं है और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ है अब ये ये हमारा क्या है प्रयागराज है इलाहाबाद प्रयागराज है तो पॉइंटर हम लेकर जाकर यहाँ पर हम लिख देंगे इलाहाबाद भी लिख सकते हैं या प्रयागराज है। तो हम प्रयागराज लिख देते हैं इस तरह से प्रयागराज लिख दिए चौथा प्रश्न था तो इस तरह से हम इसमें इस तरह से लगा देंगे कि चौथा प्रश्न है हमारे जो जो आपके टीचर होंगे यानी जो एग्जामिनर होगा वो चेक करेगा हाँ भैया ठीक है पूरा पांच नंबर मैप में देगा पांच नंबर लिखित देगा समझ में आ गया उसके बाद में देखिए क्या है अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखिए छठी सती ईस्वी में क्या देखिए छठी सती ईशा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी तो जो मगध की राजधानी थी बाबू आप लोगों की वो राजगीर थी जो कि पटना में है क्या है राजगीर थी राजगीर में थी जो कि अब क्या है पटना में है तो पटना कहाँ पर है बिहार में है बिहार की राजधानी पटना ये देखिए ये आपका बिहार पड़ जाता है बिहार ये की राजधानी पटना है पटना में राजगीर यहाँ पर था तो इसको हम पॉइंटर लेने के बाद में हम इस तरह से राजगीर लिख देंगे समझ में आ गया ये पांचवा प्रश्न था तो इस तरह से हमने लगा दिया है, है मैप को हमने कितने प्यार से भरा है ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भरना है समझ में आ गया ऐसे आप भरेंगे इतिहास का मानचित्र तो आपको पांच नंबर जो है इसमें आपका पांच नंबर पक्का हो जाएगा समझ में आ गया इसमें पाँच नंबर आपका पक्का हो जाएगा कोई काटेगा नहीं और यहाँ पर हम आप, आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया ये आपका विद्या क्वेश्चन है विद्या क्वेश्चन से लिया गया है देखिए आप लोग ने विद्या क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है या कोई भी क्वेश्चन बैंक आपने लिया है तो आप उससे क्या कीजिए उसमें जितने भी दिए गए क्या है भारत के मानचित्र हैं उसमें जितने भी सारे प्रश्न हैं उसको तैयार कर लीजिए क्योंकि अधिकतम उसी से प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में तो तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा और दस नंबर जो आपका फिक्स हो जाएगा इतिहास के मानचित्र में समझ में आ गया जो आपके डाउट थे वो हमने क्लियर कर दिए बस आपको क्या है जगह का नाम याद रखना पड़ेगा कि कौन सा जगह कहाँ पर है क्योंकि पुरानी चीज़ है इतिहास से संबंधित है तो पुरानी चीज़ों के बारे में ही पूछा जाएगा कुछ नया इसमें नहीं आएगा इतिहास है तो इतिहास से रिलेटेड ही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जैसे यहाँ पर पूछा गया था कि ईसापुर में मगध की राजधानी कहाँ थी तो वो राजगीर थी जो कि अब पटना में हो चुकी है यानी बिहार में हो चुकी है इसी तरीके से आपको मानचित्र भरना सबसे बेस्ट तरीका है ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा समझ में आ गया दस नंबर पाने का सबसे आसान तरीका है तो इस वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जय